हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है लेके आए हैं नंबर बोर्ड से रिलेटेड। मैंने बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नंबर बोर्ड दिखाया था। नंबर बोर्ड की कुछ वीडियो मैंने बताई थी जिसमें जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन और एडिशन सबट्रैक्शन मैंने कहा था नंबर बोर्ड से ही गेम के थ्रू हमको बच्चों को सिखाना है। पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू, देन सिंबल या पिक्चर्स के थ्रू, देन हम नंबर्स पे आते हैं। तो ये खेल से विधि से बच्चों को सिखाना है ताकि बच्चे बोर भी ना हो और बच्चों का एंजॉयमेंट भी होता रहे और बच्चे खेल में सीख जाए, उनको पता भी ना चले हम सीख क्या रहे हैं, और पढ़ाई भी हो जाए और उनका खेल भी हो जाए, उनका मनोरंजन भी हो जाए। इसी तरह हमको टीचिंग मेथड को अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे बच्चे बहुत इंजॉय होकर सीखें, खेलें और उनके समझ का विस्तार हो सके, उनके सोचने समझने की क्षमता का विस्तार हो सके। तो चलिए हम लोग आज नंबर बोर्ड से टेबल बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन्होंने ये वीडियो आफ्टर, जस्ट आफ्टर, बिफोर नंबर की, नंबर बोर्ड के थ्रू नहीं देखा होगा वो लास्ट वो जाके चैनल पे देख सकता है। तो चलिए टेबल बनाना सीखते हैं। बच्चों को बिल्कुल रटाया नहीं है, धीमे 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 बच्चे अपने आप याद कर देंगे, फिर ईजी वे में वो करने लगते हैं। जब मल्टीप्लीकेशन उनको करना होता है तो बार बार याद, लेकिन अब इनको समझाना है कि टेबल कैसे बनाना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर बोर्ड के थ्रू बताएंगे, देन हम पहले नंबर बोर्ड के थ्रू बनाएं। जैसे हमको 2 का टेबल याद करना है, बच्चों को 2 का टेबल नहीं पता है, तो हमको कहें जितनी बार जो टेबल हमको याद करें, जैसे 2 का टेबल, तो हम 2 बार हमको जंप करके दूसरे नंबर पर जाना होगा, वैसे ही टेबल बनेगी। आप कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये नंबर बोर्ड इस टाइप की शीट नहीं होगी, आपके घर में अवेलेबल नहीं होगी, देन आपके घर में कैलेंडर ज़रूर होगा। कैलेंडर का यूज़ भी इसमें इन बिटवीन आफ्टर नंबर, मतलब उसमें भी सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। तो आप जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन नंबर, आप कैलेंडर से भी आप बच्चों को करा सकते हैं। तो जो हमारे घर में जो यूज़फुल चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल, हमें उन्हीं के थ्रू अपने बच्चों को सिखाना है। हमको ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट से कोई सामान लेके आए तभी हम बच्चों को सिखाएं, नहीं। जो आपके घर में अगर सब्जी है या कुछ और सब्जियां हैं तो आप उनके वेजिटेबल्स के नेम बता सकती हैं, उसे एडिशन सिखाती हैं, उसे काउंटिंग सिखाती हैं। जो हमारे घर में ऑब्जेक्ट उपलब्ध हैं हमें उन्हीं का यूज़ करके बच्चों को सिखाना है, क्योंकि बच्चे उसी को जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ों को वो देखते हैं, जो विजुलाइज करेंगे जो चीज़ें देखेंगे वो जल्दी से उनको सीख जाएंगे आसानी से, और वो पहचान भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप कैलेंडर, मैंने कहा कि आप कैलेंडर का भी यूज़ टेबल बनाने में आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा 2 का टेबल हमको, जिस नंबर का टेबल हमको करना है उस नंबर पे 2, इसे हमको 2 का टेबल हमको बनाना है। तो 2 नंबर हमको जंप करके दूसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। तो 1 2, अब हमने 2 नंबर जंप किया, किस पे आ गए, 4। तो 2 1 2 हो गया और 2 2 4 हो गया। अब 4 5, 2 नंबर में जंप किया, 6 पे आ गए, फिर 6 7। तो चलिए ये अब 6 7, फिर 8 पे जंप हो गए, फिर 9 10। इसको स्किप काउंटिंग भी कहते हैं, 2 नंबर स्किप काउंटिंग। 10 हो गया, अब 10 11, फिर 12 पे आ गए, 12 13, फिर 14 पे, ऐसे ही 16 18 जंप हमको करके 2 10 जो होता है, 10 टाइम्स हमको करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कितना ईजी है, और बच्चे ऐसे ही बना लेंगे 2 1 2 2 4। अगर हमको 3 का सीखना है तो 3 का कैसे करेंगे, हमको 3 नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 नंबर छोड़ के हमको जो नंबर आना आएगा उसको टेबल देख के बनाएगा। 3 4 5, 3 नंबर हमको 3 का टेबल याद करना, लर्न करना है, ये बनाना है। तो 3 नंबर से स्टार्ट करें, 3 4 5, 3 नंबर हमने काउंट किया। अब जो 3 नंबर के बाद आया 6, तो 3 2 6 हो गया, ऐसे ही 6 पे आ गए, तो हमको 6 7 8, देखिए 3 नंबर हमने और किया, आगे बढ़ गया, 6 7 8, फिर 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब 9 9 10 11, फिर 3 नंबर के बाद जंप करना है, 12 पे आ गए, फिर 12 13 14 15 पे आ गए, ऐसे ही हमको नंबर्स, हमको टेबल्स ऐसे बनानी है। फिर 10 10 जा 20 10 3 जा 30, देखिए सारे यहाँ टेबल्स लिखे हुए हैं। अब 9 का हमको टेबल, सपोजिट 9 का हमको टेबल बनाया, तो हमको 9 नंबर जंप करना पड़ेगा, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 2 18 फिर हमको 9 नंबर जम्प करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद जो नंबर आया उस पर जम्प किए, 9 2 9 3 27 आया, तो 9 18 27 तो बच्चा ये आइडिया लगा लेगा, तो ऐसे सीक्वेंस ऐसे आया 9 18 6 36 45 54 63 72 और 81, ये देखिए ये सीक्वेंस मिल गया। तो ऐसे भी हम बच्चों को मज़ेदार तरीके से बता सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और मेरे पास है, आप उसके थ्रू भी बता। अब देखिए हम इसको दूसरा तरीका बताते हैं। अगर हमको टेबल हमको लिखना है, बच्चों को भी याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, उनको उनको समझना है कि टेबल हम कैसे लिखें, और उसका टेस्ट या कोई से पूरा 2 का टेबल लिखो, और 2 का टेबल सिक्वेंसिंग वे, अभी सिक्वेंसिंग उसको करना है, सिक्वेंस में उसको करना है, अभी बीच बीच में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बच्चा स्टार्ट अभी सीख ही रहा है। 2 1 2, अब 2 2 जा, जितनी बार ये 2 जा 3 जा रहेगा उतनी बार हमको यहाँ पर 2 2 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 2 जा, अब देखिए 2 यहाँ हुआ, अब 2 में फिर 2 प्लस करेंगे, 2 3 4, ये 4, अब यहाँ पर हम 3 जा 4 जा 5 जा, ऐसे ही हम पूरा 10 तक लिख देंगे पहले। नाइन और ये हुआ 10, अब देखिए अब हमको ये 2 3 जा 2 3 जा, अब 4 आया, 4 में 2 ऐड किया, 4 5 6, फिर ऐड किया 8, फिर 8 9 10, फिर 10 आया, फिर 10 2 ऐड किया 12 आया, फिर 2 ऐड किया 12 13 14 आया, फिर 16 16 17 18 आया, फिर 20 आया। ऐसे ही बच्चों को आ जाएगा सीक्वेंसिंग में इसको टेबल वाला, वैसे 3 के पास है क्योंकि 3 में अगर 3 है तो 3 3 ए नंबर ऐड करेगा, 4 है तो 4 4 नंबर ऐड करना ही पड़ेगा। और ये हुआ दूसरा तरीका, और हमको एडिशन के थ्रू भी हमको सिखाना है बच्चों को, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएं। दूसरा तीसरा 2 3 तरीके और मेरे पास है जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको पिक्चर के थ्रू ऐड करना, ऑब्जेक्ट के थ्रू बताएंगे, देन सिंबल और पिक्चर के थ्रू, और बाद में नंबर्स हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। अभी तो मैंने टेबल बनाना सिखाया है कि टेबल हम बनाते कैसे हैं, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। पहले हमने आपको टेबल सिखाया, आई होप आपको ये जो मेरी स्ट्रेटजी है ये आपको पसंद आई होगी, जो मेथड मैंने बताया है आई होप ये बच्चों के लिए आपकी यूज़फुल होगी, और आप ऐसा ही करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छी एक्टिविटी के साथ फिर मिलेंगे। चिल्ड्रन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।